इंदौर के रविन्द्र नाट्य गृह में 2 दिवसीय हिंदी एकांकी प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत शनिवार से हुई। ये प्रतियोगिता पिछले 14 वर्ष से लगातार आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय का आज आखिरी दिन है। इंदौर शहर को कला का सम्मान करने वाला शहर माना जाता है। शहर के रविन्द्र नाट्य गृह में देश के बड़े बड़े नाटक कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति दे चुके हैं। इसी कड़ी में रविन्द्र नाट्य गृह में 2 दिवसीय एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सूत्रधार संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि इनके द्वारा पिछले 14 सालों से एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के नाटक ग्रुप और कलाकार शामिल होते हैं। बिल्कुल, हम लोग यहाँ जो है सत्यनारायण व्यास जी हैं, ये एक नाटक करवाते हैं, कॉम्पिटिशन पिछले 14 वर्षों से करवा रहे हैं और इसमें तकरीबन 22 से 23 टीम जो है भाग लेती है। इस बार तो और कसावट के साथ है, 50 मिनट दिया गया था जिसमें आपको सेट जमाने से लेकर सेट हटाने तक और प्लस आपका प्ले, ये मिला करके 50 मिनट होना चाहिए था। तो टफ भी था, हमारे लिए नया अनुभव भी था। तो हम लोग सब किए, मैं रंगधारा ग्रुप से हूँ, हमारी संस्था ने अभी एक घर वापसी किया था जिसका खूब आंदोलित हुआ था लोगों में, और फिर ये राजेश कुमार का लिखा हुआ है नाटक हमारा तप्तीश, और इसको हम लोग किए हैं। मोस्टली इंदौर की टीम है, हालांकि भोपाल और दिल्ली से भी टीम आ रही है, कल उनका प्ले है यहाँ पर। तो ये एक बेहतरीन आयोजन है, वर्ष में एक बार होता है, हम लोगों ने जब तक रिक्वेस्ट की है क्योंकि अब यहाँ पर कलाकारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में एक जागृति आई है, हर एक को एक जुनून है नाटक के प्रति, तो ये हर 6 महीने में होना चाहिए ऐसा हम लोगों ने निवेदन किया है, और उसके लिए कलाकार भी जो हो सकता है हम लोग उसमें साथ देंगे। बहुत अच्छा था, ऑडियंस बहुत अच्छी है, अच्छे लोगों की सोच है यहाँ पर, इसलिए प्ले कर पाना बहुत अच्छा हमको भी लगता है। और ये हम लोग रंगधारा से हैं तो हम लोग सुबह 8 से 10 रोजाना 365 दिन, चाहे वो होली हो दिवाली हो, हमारा प्रैक्टिस होता है और हर 2 महीने में हम लोग परफॉर्मेंस करते रहते हैं और हमारा प्ले चलते रहता है। आयोजन में अपनी प्रस्तुति दे रहे रंगधारा नाटक ग्रुप के कलाकार संजय पांडे ने बताया कि पिछले 14 सालों से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर नाटक कलाकारों से आम लोगों में भी इसका उत्साह देखने को मिलता है। मैं सत्यनारायण व्यास, परमाणु ऊर्जा विभाग से रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ। पिछले 14 सालों से हम इंदौर में सूत्रधार नामक संस्था चला रहे हैं और पहले ही साल से हमने ये हिंदी एकांकी प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें इंदौर के तमाम नाट्य ग्रुप शामिल होते हैं और अच्छे अच्छे नाटक हमें देखने को मिलते हैं। तो पिछले 14 सालों से ये हर साल नाटक प्रतियोगिता आयोजित होती है, और ख़ास बात यह है कि इसमें इंदौर के नाट्य दलों के अलावा इंदौर के बाहर के भी काफ़ी दूसरे शहरों के नाट्य दल आते हैं। इस बार भी एक नाट्य दल दिल्ली से आ रहा है जो कल अपना नाटक पेश करेगा। इस बार ये हमारा 14वां साल है और दो दिनों में आप यहाँ 20 नाटक देखेंगे। इंदौर के युवाओं में इन प्रतियोगिता के प्रति इतना उत्साह रहता है, पूरे साल भर वो इसकी तैयारी करते हैं और इसके प्रतीक्षा में रहते हैं कि ये प्रतियोगिता कब हो रही है। तो बड़ा उत्साह, उनका उत्साह देख करके बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा काम हो रहा है इंदौर में। तो हम 14 सालों से बराबर ये काम कर रहे हैं और अगर सहयोग मिलता रहे तो आगे भी ये काम जारी रहे। इस कार्यक्रम में हर साल करीब 40-50 नाटकों का परफॉर्मेंस होता है। शनिवार को कार्यक्रम 20 नाटकों का आयोजन हुआ और रविवार को भी 20 नाटकों का आयोजन हो रहा है।